जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि मंदिर गायब हो गया। आंखों देखी घटना है, जब तक देखेंगे नहीं यकीन नहीं होगा। आइए आपको लिए चलते हैं भारत के एक राज्य उड़ीसा में। उड़ीसा में आप लोगों ने सुना ही होगा कि जगन्नाथ जी का मंदिर है, जगन्नाथ पुरी। इसके बाद उड़ीसा का सूर्य मंदिर कोणार्क का, यह भी बहुत प्रसिद्ध है। मैं पहली बार उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर से होते हुए कोणार्क मंदिर पहुंचा। शाम अधिक हो गई थी, लगभग 7 बज गया था। 7 बजे जब हम पहुंचे तो अंधेरा हो चुका था और कोणार्क मंदिर एकदम रोशनी से नहाया हुआ, गोल्डन कलर में इस तरह की आकृति लिए हुए एक मंदिर था। उस समय मैं फ़ोटो नहीं खींच पाया, फोटो आपको फिर दिखाऊंगा मैं। वहाँ एक म्यूज़ियम है। कोणार्क मंदिर का गेट बंद हो चुका था, वहाँ प्रवेश बंद हो गया था। हम बाहर से ही देखे, बहुत सुंदर दिखा। हमने सोचा अच्छा चलो फ़ोटो खींचते हैं। वहीं बगल में म्यूज़ियम है, हम म्यूज़ियम में गए और म्यूज़ियम में कोणार्क मंदिर से संबंधित विभिन्न वृत्तचित्र और विभिन्न प्रदर्शनियाँ हैं वो देखते रहे। वो देखने के बाद हम जैसे ही बाहर निकले तो हम देखते हैं, अरे ये जो सुनहरे रंग का मंदिर दिख रहा था वो मंदिर अचानक कहाँ चला गया। एकदम बियाबान अंधेरा और मंदिर का नामो निशान नहीं। काफ़ी हैरान हुए हम कि यह क्या चमत्कार हो गया। तभी पता लगा कि वहाँ रोज शाम को 7:30 बजे से लाइट एंड साउंड ये शो होता है। तो फिर हमने भी टिकट खरीदा और वह लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए पहुँचे गंतव्य पर। जब हम वहाँ प्रवेश किए तो हमने देखा ये जो अंधेरा था, कोणार्क मंदिर वास्तव में अपभ्रंश रूप में है, सुनहरे रंग में नहीं है फिलहाल, लेकिन उसे बिजली से इतनी सुंदर से सजा दिया जाता है कि देखने में ये लगता है कि वास्तव में यह मंदिर है। और यह छटा आप केवल शाम को देख सकते हैं, दिन में अगर गए तो आप नहीं देख पाएंगे। उसके बाद वहाँ हमने वृत्तचित्र देखा, वो पत्थरों पर उन्होंने शो दिखाया, लेज़र शो। कई जगह है, स्वामी नारायण मंदिर दिल्ली में, स्वामी नारायण अहमदाबाद में, और मुझे लगता है रामूजी फिल्म सिटी में भी उस तरह के लाइट एंड रे एक शो दिखाया जाता है। तो वही शो हमने देखा, लगभग आधा घंटा पूरा कोणार्क के सूर्य मंदिर का कहानी वहाँ बताया गया चित्र के माध्यम से, और वह चित्र उन खंडहरों पर डाल करके। शो खत्म हुआ, पुनः अंधेरा, आप इस चित्र में देख सकते हैं, पुनः अंधेरा छा गया। और बाद में जब हम वहाँ से निकले तो खंडहर में बदला हुआ कोणार्क मंदिर देखा, बहुत ही सुंदर है। क्योंकि ऐसी तस्वीरें आंखों से देखें तब यकीन की जा सकती है, कहे पे नहीं। अगर आपको लगता है कि ऐसा चमत्कार देखना है जहां मंदिर गायब हो जाता है और फिर शाम होते ही मंदिर पुनः वापस आ जाता है सुनहरे रंग में, तो आप कोणार्क मंदिर जरूर आएं और शाम के समय उसके बाद लाइट एंड साउंड शो भी देखें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और यह हैरत अंगेज दृश्य सुनने के लिए।